आजम बतौर बल्लेबाज तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बाबर आजम आज कप्तानी छोड़ के चला जाए, मुझे बाबर आजम से कोई इश्यू नहीं है। बाबर आजम बतौर एक बैटर पाकिस्तान का, पाकिस्तान की शान है, ये मैं बार बार कहता हूं। लेकिन भाई सचिन तेंदुलकर जो था, क्या वो बाबर आजम से छोटा प्लेयर था? बड़ा प्लेयर था ना। छोड़ दी उसने कप्तानी, उसने कहा मेरे बस का रोग नहीं है, जो रूट जो है अभी छोड़ के हटा। आप उसने अपनी टीम, उसकी टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर चली गई, ठीक है। उसके बाद एशिज बुरी तरह हारी, उसकी टीम जो है वो वेस्ट इंडीज से हारी, उसने कहा मेरे बस का रोग नहीं है कप्तानी, मैं नहीं कर सकता, आप किसी नए कप्तान को ले आए, मैं टीम में खेलूंगा। केन विलियमसन टेस्ट मैच से कप्तानी छोड़ के आपके मुल्क में आ रहा है अभी। भाई हमारे खिलाड़ियों को कप्तानी क्यों पसंद है इतनी ज्यादा यार? पता नहीं क्या चीज है ये, पता नहीं अपनी अनाओं का, इनको पता नहीं, शायद कप्तान को पैसे ज्यादा मिलते हैं, ये लाख दो लाख चार लाख रुपए के लिए क्या है यार ये? मतलब आप अपनी क्रिकेट खेलो बाबर आजम, आप अच्छे बल्लेबाज हो, आप फोकस अपनी क्रिकेट पे करो, आपका दिमाग वो नहीं है जो एक कप्तान का दिमाग होना चाहिए। अब अगेन मैं कह रहा हूं कि वो बेगैरत लोग जो बाबर आजम को अपना जो है वो अबू समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात भी नहीं करना पसंद करता। अरे तुम लोगों के लिए पाकिस्तान वैल्यू नहीं रखता, बाबर आजम क्या बाप है आप लोगों का, जो आप लोग जो है वो बाबर आजम के लिए सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और हम उसके लिए आवाज उठाएंगे कि जो पाकिस्तान के लिए ठीक हो। अब पाकिस्तान हार रहा है, जलील हो रहा है, हम बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, क्यों करें हम? भाई रमीज राजा कितना जिम्मेदार है इस सारी सूरत हाल की? रमीज राजा तो बस यूट्यूब चैनल चलाए, उसके बस का रोग नहीं है ये। तुमसे उम्मीदें थी, हमने कहा थोड़ा हमारी थी बात भाई, हमें उम्मीदें इस वजह से थी कि हम जब इनकी वीडियोस देखते थे, मतलब कोई क्रिकेट एक्सपर्ट भी इस तरह की बात नहीं करता, जितनी बारीकी से खेल की, मतलब कॉन्फ्रेंस देख लें। सकलैन मुश्ताक की बीइंग अ ह्यूमन मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं बड़ा उसको क्लोजली मिला हूं, बहुत अच्छा है, तो वो बेख्तियार है, बिल्कुल बेख्तियार है, उसने सब कुछ बाबर के ऊपर छोड़ा, सब कुछ बाबर के ऊपर छोड़ा। उसको पता है कि जिस दिन मैंने बाबर आजम को हाथ लगाया इसने नाराज हो जाना, बाबर आजम को तो खाना खाने नहीं जाने दिया, तो अगले दिन वो मैच खेलने नहीं आया, दो घंटे बाहर बैठा हुआ कि मैं जनाब पाकिस्तान का कप्तान, मुझे रात आपने दो दरिया पे खाना खाने नहीं जाने दिया, के लिए खेलते हैं, उनमें मुल्क के लिए जज्बा है, ठीक है। बेन स्टोक्स एक विजन के साथ आया था, वो पाकिस्तान को हराने आया था, वो हरा के चला गया, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जैसे एक फाते आता है फतह करने के लिए, जिसका ख्वाब ये होता है कि मैंने फतह करना है, हम अपने आप को बचा रहे थे कि कहीं हम फतह ना हो जाए। उजैर मैदान में उतरता है, वो कहता है कि मैं जीतना चाहता हूं, ये एक माइंडसेट है ना, मैं जीतना चाहता हूं जीत। उतरता है, वो कहता है कि मैं हारना नहीं चाहता, ये हमारी होम ग्राउंड है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, मैंने नहीं हारना। अच्छा, अब दोनों का मकसद एक है, लेकिन यहां पे माइंडसेट इसको कहते हैं कि एक बंदा हार से डर रहा है, वो हारना नहीं चाहता, वो कहता है मैं हारना नहीं चाहता, दूसरा कहता है मैं जीतना चाहता हूं, तो दोनों का मकसद एक है लेकिन माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वाली बात आ जाती है, शकील है ठीक है, या जैसे टॉप के ऊपर इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक, ये सब अच्छे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये है कि इनसे भी अच्छे लोग पड़े हुए हैं, उनका कोई मामा चाहता चाया नहीं है क्रिकेट में। कामरान गुलाम पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कभी किसी खिलाड़ी ने एक सीजन में इतने रन नहीं बनाए जितने उसने बनाए, कहां गया वो? नहीं देते उस्मान सलाउद्दीन खेला हो, सालों से खेल रहा है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो कितनी डिफरेंट सिचुएशन से निकला होगा, वो कितने प्रेशर से उसने अपने आप को निपटा होगा, मुकाबला किया होगा, तो वो जो जो उसका कैरेक्टर है वो आप दो टेस्ट मैच खेलने वाले के साथ तो नहीं कर सकते। मुझे लोग कहते थे कि जी आप फलां के एजेंडे पे हैं, मैं फलां, मैं कहता हूं भाई कराची के लोग भी खेलें, लाहौर के लोग भी खेलें, केपीके से भी खेलें, बलोचिस्तान से, ये पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप, यह कितनी शर्मनाक बात है कि आपने अपना बेस्ट कैप्टन एक वक्त का आपने उसको बाहर बिठाया हुआ, फटा पिचेस बनाई, ये जिम्मेदार है रमीज राजा, आपने फटा पिचेस बनाई, उसका नुकसान ये हुआ कि आपके तीन बॉलर जो है वो हो गए अनफिट हो गए। आपको मिला क्या इस सीरीज से सिवाय शर्मिंदगी और हार के और अनफिट प्लेयर्स के, और लिया क्या आपने इस सीरीज से?